उड़ीसा राज्य के पवित्र शहर पुरी के पास कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। यह भव्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया यह मंदिर भारत के मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। सूर्य मंदिर जाना जाता है यहाँ के सभी पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी के लिए। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में ओडिशा राज्य के जगन्नाथ पुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह मंदिर भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी से ही पता चल जाता है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर अपने विशेष आकार और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्द से मिलकर बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा है। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है, परंतु वर्तमान में 7ों में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करता है तथा प्रत्येक चक्र 8 खंभों से मिलकर बना है, जो दिन के 8 पहियों को दर्शाते हैं। मुख्य मंदिर 3 मंडपों से बना है। इनमें से 2 मंडप टूट चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां भगवान की मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पहले ही रेत व पत्थर भरकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। पहला है उदित सूर्य, जिस मूर्ति की ऊंचाई 8 फीट है। दूसरा है मध्य सूर्य, जिसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। इसके अलावा तीसरा है अपरह सूर्य, जिसकी ऊंचाई 3.5 फीट है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रमण करते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित है। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर पर बनी हुई है। इस पत्थर का भार 28 टन है। इसकी लंबाई 8.4 फीट है, 4.9 इंच ये चौड़ा है तथा 9.2 फीट ऊंची है। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हुए हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। ये 10 फीट लंबे व 7 फीट चौड़े हैं। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां पर मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल बैल और ज्यामितीय नमूने को नक्काशी की गई है। यह मंदिर भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का है। आकृति में यह मंदिर उड़ीसा के अन्य शिखर मंदिरों से खास भिन्न नहीं लगती है। 229 फीट ऊंचा मुख्य गर्भगृह एवं 128 फीट ऊंची नट्यशाला के साथ ही बना है। मुख्य गर्भ में प्रधान देवता का वास था, किंतु वह अब ध्वस्त हो चुका है। मंदिर का मुख्य प्रांगण 857 फीट बाई 540 फीट का है।
यह मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बना है। मंदिर प्राकृतिक हरियाली से घिरा हुआ है। एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्ष की कड़ी मेहनत से इसका निर्माण किया था। यहाँ पर मंदिर की ध्वस्तता के संपूर्ण कारणों का उल्लेख करना जटिल कार्य से कम नहीं है, परंतु ये अच्छे से पता है कि अब इसका काफी भाग ध्वस्त हो चुका है, जिसके मुख्य कारण अलग अलग माना जाता है। जैसे वास्तु दोष, कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में छिन्न हो गया था, जिसे वास्तुकला व नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसी कारणवश यह अपनी समय अवधि से पहले ही धराशायी हो गया। दूसरा है चुंबकीय पत्थर। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खींचे चले आते थे, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। इसके अलावा इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र यानी कि कंपास सही से काम नहीं करता था। इस कारण से अपने पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल के ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय चुंबक का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वे गिर पड़े, परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता, ना ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। काला पहाड़। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत काला पहाड़ से जुड़ा है। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने सन 1508 में यहां आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मदन पंजी बताते हैं कि कैसे काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया। कोणार्क मंदिर सहित उसने अधिकांश हिंदू मंदिरों की प्रतिमाएं भी ध्वस्त करी। हालांकि कोणार्क मंदिर की काला पहाड़ मंदिर की 20 से 25 फीट मोटी दीवार को तोड़ना असंभव था। इसके अलावा पूजा अर्चना संबंधित बाधाएं। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पांडों ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में यह मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। अन्य लोगों के अनुसार यहां की पूजा मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्य मंदिर की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वहीं कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति के हटाने के बाद से ही बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थ यात्री का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क का बंदरगाह भी डाकुओं के हमले के कारण बंद हो गया। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर भी व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण यह एकदम बंद होने को चला और वर्षों तक एक गहन जंगल से ढक गया। तो दोस्तों, आज आपने कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में अच्छे से जाना है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके जरूर बताइए
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।